हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और आज हमने आप लोगों के लिए एक और हम लोग फिल्म लेके आए हैं जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइफाई फिल्म है और इसका नेम है ऑक्सीजन। नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको। कमाल की फिल्म है, एज यूजल बहुत मजा आता है फिल्म देख के, और नेटफ्लिक्स ने कमाल कर दिया है ये फिल्म अपने अपने प्लेटफॉर्म पे चला के। और ये फिल्म, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंड्रो अजा, जो बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं। और लास्ट आई थिंक रजत हमने इनकी क्रॉल फिल्म क्रॉल देखी देखी थी, थी। बहुत जिसका बढ़िया। जिसका हमने हमने रिव्यू भी किया है। ये फिल्म पूरी तरह से आप देखेंगे तो एक एक क्रायोजेनिक पॉड के अंदर सेट फिल्म है। आप सोचिए, एक सिंपल सा एक पॉड में। अच्छा रजत, अपनी ऑडियंस को बता दें थोड़ा सा कि क्रायोजेनिक पॉड क्या होता है। आप कुछ कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? क्रायोजेनिक पॉड वो होता है जिसमें लो लो टेम्परेचर के अंदर कोई भी इंसान मतलब रह सकता। आप लोगों ने मूवी देखी होगी ऐसी, जो स्पेस में जो स्पेस ट्रेवल करते हैं फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, तो उनको नींद के लिए एक क्रायोजेनिक पॉड में वो लोग अपने चले जाते हैं, जिसके अंदर वो अपना सोते रहते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी कंज्यूम ज्यादा ना हो। और जब वो उठते हैं तो वो उस पॉड के अंदर ही होते हैं, तो वो होता है क्रायोजेनिक पॉड। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये क्रायोजेनिक पॉड आप देखेंगे कि उसी के अंदर ये पूरी फिल्म शूट हुई है। सो इट्स सो अमेजिंग। इसको देखना कि आप देखिए इसमें, खैर इसको मजा आता है देख के। और अलेक्जेंडर राजा, मैंने आपको बताया जैसे कि अभी क्रॉल, और उससे पहले उन्होंने रजत, हमने उनकी मिरर्स भी देखी है, और उन्होंने मिरर्स, पिराना जो पुराना 3D थ्री डी की वो भी फिल्म उन्होंने बनाई थी। बहुत बढ़िया खैर, आप बनी। कुछ बताएं अब इसके बारे में। इस स्टोरी इसकी ऐसी है कि एक वुमेन एक क्रायोजेनिक पॉड में जागती है, जो कि साइज में एक कॉफिन से ज्यादा बड़ा नहीं होता, और देखने में सब ऐसा लगता है जैसे मेडिकल लगता है कि ये जताते हुए कि वो एक बहुत मतलब बीमार है, उसका ट्रीटमेंट कुछ कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसको याद कुछ भी नहीं है। और क्यों याद नहीं है, ठीक है, इवन ये भी याद नहीं है कि वो कौन है। तो इस फिल्म के अंदर वो धीरे धीरे वो मिस्ट्री रिवील्स होनी स्टार्ट होती है। बाकी जीत आप बताइए इसके बाद। और उसके पास, हम बताते हैं कि उस जो लड़की है, जो फीमेल है, उसके पास में कोई उसकी मेमोरी नहीं है, कोई याददाश्त नहीं है। और उसके पास क्या मौजूद है? सिर्फ कुछ फ्लैशेस, कुछ पुरानी यादों का आप कह सकते हैं कि वो है, और बस उसी को वो याद करती रहती है। एक पर्सन, अच्छा यादों में क्या दिखाते हैं कि एक पर्सन जिसको एक हॉस्पिटल के आईसीयू में ले जाया जा रहा है, अ स्माइलिंग मैन उसके पास में है, और एक एक चूहा, एक माइस, एक रैट, जो कि भूल भुलैया में अपना रास्ता खोज रहा है। बस इस तरह की कुछ यादें उसको याद आती हैं, और जैसे जैसे वो अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रही है। तो अच्छा, नजर इसमें बहुत अच्छा दिखाया था कि माइलो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है एक्चुअली, तो माइलो उसमें नाम दिया है इसका, तो माइलो है जो AI है, और वो इसको बीच बीच में वार्निंग दे रहा है कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, योर ऑक्सीजन बाकी लेवल इज लो। तो बड़ा मजा आता है। खैर, अब अगर हम इसके कैमरा एंगल्स की बात करें तो वो बहुत कमाल के हैं, क्योंकि जबकि आपको पता है कि क्लोज स्पेस में ही आपको शूट करना है एंड अपनी स्टोरी दिखानी है, तब भी गाइस आप बोर नहीं होंगे। एक बंद पॉड में अपने आप को एक ही चीज के सारे जिंदा रखने की उम्मीद। नहीं, बहुत मजा आता है। और खैर, ये जो रजत ने लाइन कही गाइस, ये बहुत अमेजिंग है कि उम्मीद के सारे तो खैर हम क्या क्या कर जाते हैं हम, तो ये ही आपको इसमें देखने को मिलेगा कि लेकिन रजत, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन, खैर हमने और भी फिल्मों में इस तरह के पॉड्स देखे हैं, क्रायोजेनिक पॉड्स होते हैं, और लेकिन इसकी स्टोरी खैर यूनिक मुझे लगी, जो बहुत मजा आया देख के। और इसकी हीरोइन जो रजत, जो इसमें एक्ट्रेस है, मेलनी मेलनी लॉरेंट, बिल्कुल वो इसके अंदर हीरोइन है, और वो कमाल लगती है। मतलब कमाल का काम किया उन्होंने, और वो सब तरीके से आपको इमोशंस वो देंगी, और सारे इमोशंस से रूबरू कराती हैं सिर्फ एक छोटे से पॉड में रहते हुए। सिंपली अमेजिंग जी रजत। ओवरऑल ऑक्सीजन एक फास्ट पेस एंड वेरी वेल रिटन एंड इंटेलेक्चुअल थ्रिलिंग जॉनर की मूवी है। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मूवी फ्रेंच एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसमें आप सब टाइटल सेलेक्ट करके मूवी को बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बट दिस इज मस्ट वॉच मूवी। इसको मैं और जीत हम आप लोगों को ये बोलेंगे इस फिल्म को जरूर देखें। बिल्कुल गाइस, जरूर देखें। आप जो इस तरह के जॉनर्स पसंद करते हैं उनको बहुत मजा आएगा ये फिल्म देख के।
इसी के साथ हम लोग रजत क्लोज करते हैं और मिलेंगे यस अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जरूरी। ओके बाय।